हाय, वेलकम टू PLP एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज़ अनिल वर्मा और आज की इस वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ अदानी समसारा विलासा, विच इज़ एन इंटीग्रेटेड टाउनशिप ऑफ 55 एकर्स दैट इज़ लोकेटेड इन सेक्टर 63 ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड ऑफ गुड़गांव। थोड़ा सा अगर मैं आपको अदानी समसारा विलासा की टाउनशिप के बारे में बताता हूँ तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी पॉकेट्स, जिसमें कि अदानी डेवलपर्स ने लो राइज फ्लोर्स भी लॉन्च किए हैं और कुछ प्लॉट्स भी बेचे हैं और कुछ में उनका प्लान है हाई एंड विलास का लाने का इन नियर कमिंग फ्यूचर। इस टाउनशिप में अगर आप देखोगे तो जैसा आप देख सकते हो ये पीछे आपकी जे पॉकेट लगती है, जिसमें कि इन्होंने आज से 1.5 से 2 साल पहले लो राइज फ्लोर्स लॉन्च किए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं सुपर स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है और ऑलमोस्ट 90% इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो चुकी है। इसमें आपको 300 गज से लेकर 320, 360 और 500 गज के ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें आपको 3 BHK और 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम के ऑप्शन मिलते हैं। इसमें आपको टेरिस के राइट भी मिलते हैं इफ़ यू गो फॉर 4th फ्लोर और बेसमेंट मिलती है इफ़ यू गो फॉर 1st फ्लोर। इसी में ही डेवलपर्स ने कुछ प्लॉट्स भी बेचे हैं जो कि आपके 350 गज के और 500 गज के साइजेस में आते हैं। हमारे पास इसमें कुछ रीसेल की इन्वेंट्री अवेलेबल है जो कि आपको मार्केट रेट से काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिलती है, क्योंकि अगर आप अभी देखोगे तो प्राइसेज जो भी आ रहे हैं वो आपके 170, 175 और 180 का प्राइस आपको मार्केट में मिलता है। उससे आपको बिलो प्राइस पे हमारे पास कुछ रीसेल में इन्वेंट्री है। और साथ ही साथ ये वीडियो इसलिए भी है कि एज़ पर मार्केट एंटिसिपेशन अदानी ग्रुप इज़ ऑल्सो गोइंग टू लॉन्च सम रेजिडेंशियल प्लॉट इन दिस टाउनशिप। अगर आप बात करते हैं एप्रिसिएशन की तो प्लॉट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट एप्रिशिएबल रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। कोई भी सेगमेंट आप रियल इस्टेट का उठा के देख लीजिए, चाहे वो हाई राइज अपार्टमेंट है, वो फ्लोर है, विला है या आप कमर्शियल में जाइए, लैंड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपका सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन होता है और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपकी ज़ीरो डेप्रिसिएशन वाली इन्वेस्टमेंट है। सो प्लॉट अगर जहाँ भी आते हैं तो हाथों हाथ निकल जाते हैं। उसका रीज़न ही ये है कि सबसे ज़्यादा एप्रिशिएबल इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट में मानी जाती है। सो आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर काफ़ी इन्वेंट्री आ रही है प्लॉट्स की। अगर आप रीसेल में ख़रीदना चाहो तो उसके ऑप्शंस भी हमारे पास है, पर जो आने वाली चीज़ें हैं वो भी हमारे पास चीज़ें आपको डेफिनेटली उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, जिसके लिए आप हमारे नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको लोकेशन का बताता हूँ। अगर आप ये जो पीछे शेड देख रहे हो, जो ये बाउंड्री आप देख रहे हो, ये आपकी DLF की लैंड है, 25 से 26 एकड़ की लैंड है, जहाँ पर DLF इज़ गोइंग टू लॉन्च अल्ट्रा लग्जरी हाई एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, जहां पर आपके 11 टावर्स आएंगे और सारे के सारे 4 BHK अपार्टमेंट्स होंगे। और अगर बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की तो एज़ पर DLF जो इसमें आपकी एमेनिटीज़ होंगी, स्पेसिफिकेशंस होंगी, वो बिल्कुल आपकी DLF क्रेस्ट जैसी होगी, बल्कि एक नॉच उससे भी ऊपर होगी। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ लोकेशन दिस इज़ गोइंग टू बी इन नेक्स्ट 2 to 3 years ऑफ टाइम। सो इट इज़ अ बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट ऑन दिस लोकेशन, क्योंकि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड वैसे ही वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन बन चुकी है फॉर बाइंग एनी रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड आपका ऑलमोस्ट सैचुरेटेड हो चुका है। तो एक्सटेंशन रोड ही आपकी नियर बाई लोकेशन बनती है। आसपास आप देखोगे तो सामने AIPL बिजनेस क्लब है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल फैंटास्टिक कमर्शियल बिल्डिंग है, बहुत से टेनेंट उसमें चढ़ चुके हैं। उसके अलावा आपको बानी की मार्केट मिलती है और भी वहाँ पे 2-3 डेवलपर्स है। उसके अलावा आपको धूत की बिल्डिंग सामने दिखेगी, ये आपके IREO के प्रोजेक्ट्स है। सामने आपका अदानी समसारा की पॉकेट पड़ती है, वहीं पर आपको 1.5 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस भी मिलता है। अगर हम पर्टिकुलर इस पॉकेट की बात करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन पॉकेट है। रोड्स अगर आप देखोगे तो आपको 12 मीटर की इंटरनल रोड्स मिलती है, जो कि अगेन बहुत ही ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट की गई है, नीट एंड क्लीन रोड्स है। आसपास जो ग्रीन बेल्ट है वो भी अच्छे से कंस्ट्रक्ट की जा रही है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो कुल मिला के अदानी समसारा विलासा जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम टाउनशिप होने वाली है अगले से 2 से 3 साल के अंदर। इसके साथ साथ ही इसमें कुछ लो राइज फ्लोर्स के ऑप्शन भी लॉन्च होने वाले हैं विद इन 15 to 20 days ऑफ टाइम, जिसका कि अगर आप देखोगे तो पीछे खड्डा भी खुदना स्टार्ट हो गया है। दे आर वेटिंग फॉर द रेरा, और जैसे ही रेरा इनके हाथ में आ जाता है दे विल लॉन्च इट ऑफिशियली इन द मार्केट।
जो ये नए फ्लोर्स हैं वे आपके 300 350 गज के प्लॉट पर आएंगे, उसके ऊपर भी कुछ साइजेज होंगे। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि वो आपकी नई FAR पे बनाए जाएंगे, तो जिसमें आपको फ्लोर टू जो सीलिंग हाइट है वो ज़्यादा मिलती है और जो अंदर का एरिया है कारपेट एरिया आपको वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलता है। सो अगर हम थोड़ा सा मैं आपको मेरे राइट हैंड साइड में दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आपको बिरला नव्या की भी एक पॉकेट है जो कि 15 से 20 एकड़ की पॉकेट है। अगेन वहाँ पर वो लो राइज फ्लोर्स लॉन्च करने वाले हैं। उसके साथ साथ ही आपके अनंतराज की लैंड लगती है जिसमें ऑलरेडी विलाज और लो राइज फ्लोर्स बने हुए हैं। तो मोस्टली आपकी यहाँ पर जो चारों तरफ है वो आपकी लो राइज फ्लोर्स की ही टाउनशिप आती है और सारी की सारी टाउनशिप जो है काफ़ी प्रीमियम है। सो आपकी जो लोकेशन है ये फॉर बाइंग अ प्लॉट विला और फ्लोर और हाई राइज अपार्टमेंट, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन। यहाँ से जितनी भी आपके मॉल्स वगैरह है, रिटेल मॉल्स हैं, स्कूल्स हैं, सारे आपके 300 से 400 मीटर के डिस्टेंस पे है। पारस ट्रिनिटी की मार्केट यहीं है जहाँ पर आपकी जो भी नीड्स है, आपकी छोटी मोटी नीड्स है, वो सारी वहीं पे फुलफिल हो जाती है। एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर डाइनिंग एटसेट्रा, आपका यहाँ पे आगे जा भारतीय वर्ल्ड मार्क आ जाता है जहाँ पर आप जाके अपना डाइनिंग कर सकते हो। आप वहाँ पे मल्टीप्लेक्स में जाके मूवीज देख सकते हो। तो एवरीथिंग इज़ यू नो इन द डायमीटर ऑफ 200 to 300 मीटर फ्रॉम दिस लोकेशन। सो ऑल टुगेदर दिस इज़ अ फैंटास्टिक लोकेशन फॉर बाइंग एनी प्रॉपर्टी। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग प्लॉट्स, फ्लोर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर्स मैंशनड ऑन दिस यूट्यूब वीडियो स्क्रीन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।